Welcome to Bind EduTech, and we have completed a chapter number 2 from Hornbill, which was a very interesting chapter about a sea voyage. मगर चैप्टर शुरू करते वक्त मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे पार्ट्स जो हैं हमारे देश के, पार्ट्स मतलब जो स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको पानी जहाज़ से सफ़र करने का मौका नहीं मिलता. मतलब वहाँ वो जो ओशियन से सटे हुए हैं, महाराष्ट्र है, इधर उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, तो ये सब समुद्र से सटा हुआ है. लेकिन दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें नई मौका मिलता है शिप को ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करने का. मतलब आदत नहीं होती है लोगों को. इस हिसाब से ये चैप्टर में कुछ वर्ड्स जो पार्टिकुलरली शिप के में ही यूज़ होता है और दूसरे जगह उसका बिल्कुल डिफरेंट मतलब निकलता है, शिप एक शिप में उसका डिफरेंट मतलब निकलता है, तो हम लोग को क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है बहुत सारे लोगों को पानी जहाज के सफ़र करने का एक्सपीरियंस, इसलिए थोड़ा बहुत उन लोगों को नए वर्ड्स और सीखने को मिले नए वर्ड्स पूरे चैप्टर में. मगर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. सिंपल सा रीज़न बताएं कि क्योंकि उन लोगों को समुद्री यात्रा का मौका अपने जीवन में नहीं मिलता है. बाय रोड वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बाय एयर भी वो ट्रैवल कर लेते हैं, बट बाय शिप उनको ट्रैवल करने का फैसिलिटी नहीं मिलता है. तो शिप के बारे में बहुत कम जानकारी होती है हमें. ये मैंने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में. तो ये चैप्टर जो लास्ट पैराग्राफ में ख़त्म हुआ था, जहाँ पर नरेटर जब उस आइलैंड के धरती पर अपना पैर रखता है, तो वो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचता है और उनको एप्रिशिएट करता है उनके किए गए काम के लिए, जो उन्होंने समुद्री तूफान के समय जो जिसने कंट्रीब्यूट किया, उन सब को एक एक करके नरेटर याद करते हैं. वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं. उसका जो ये था ये भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं. ये लास्ट कि वो अपने बेटे के बारे में भी सोचता है, वो बेटा जो 6 साल का है और वो मरने से नहीं डरता है, उसका बेटा बोला था. तो ये उसके तरफ से एक कंट्रीब्यूशन ही हुआ. अगर डरता, घबराता, चीखता, चिल्लाता, पैनिक हो जाता, तो नरेटर अपना ध्यान नहीं लगा पाते शिप को बचाने में.
तो ये उसका कंट्रीब्यूशन था। एक 6 ईयर का बॉय, इसका बेटा बोलता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये था हमारा लास्ट टाइम पर चैप्टर हुआ था। फिर मैंने टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये एक टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये तीन वर्ड, जो तीनों वर्ड में शिप लगा हुआ है, ये तीनों वर्ड का आप मतलब क्या जानते हैं। इसमें फर्स्ट था एयरशिप, फिर फ्लैगशिप, फिर लाइट शिप, सब में शिप है। तो क्या आप इसका मतलब जानते हैं कि एयरशिप किनको, किसको बोला जाता है, फ्लैगशिप किसको बोला जाता है और लाइट शिप किसको बोला जाता है? इसी का मैं आपको आंसर समझा रहा था कि फ्लैगशिप एयरशिप किसको बोला जाता है, फ्लैगशिप किसको बोला जाता है और लास्ट वाला जो था लाइट शिप वो किसको बोला जाता है। तो एयरशिप से हमने शुरू किया। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ा, लार्ज, लार्ज एयरक्राफ्ट। अब फिर ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट विंग्स, उसमें विंग्स नहीं रहते हैं एरोप्लेन जैसे। और उसके बाद फिल्ड विथ अ गैस, उस लार्ज एयरक्राफ्ट को गैस से भर दिया जाता है। और गैस किस तरह का रहता है, विच इज लाइटर देन एयर। वो गैस जो है वो हवा से भी हल्का होता है और इस वजह से वो जो शिफ्ट रहता है वो पॉजिट, पॉज ही किए थे फिर रोक दिए नहीं, आपको पॉज करने में तो दिक्कत होता है। अरे यार कैसे छूट गए यार, और फोन किसका था सबसे पहले, MRS का फोन था श्योर?